हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्जामिनेशन, दिस आल्सो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आर यू स्टडीड इन द सेक्शन ऑफ मैकेनिक्स। इन चैप्टर्स में एनसीईआरटी के हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक खोल के रखें एंड द सेक्शंस आई एम टेकिंग अप वन बाय वन इन दिस वीडियो। आप साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है, आज आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलें एग्जाम से जस्ट पहले कम से कम 8 या 10 बार अगर आपको रिविजन करना है तो विद इन 2 to 3 days इट इज पॉसिबल, बट ओनली बाय यूजिंग शॉर्ट नोट्स। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर फोकसिंग ओनली ऑन एनसीईआरटी एंड लिमिटेड स्कोप में अपने स्कूल एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दीज वन शॉर्ट वीडियोज ऑफ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द शॉर्ट नोट्स ऑफ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। और जो स्टूडेंट जेईई मेन या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन शॉर्ट नोट्स को बनाने के बाद या पहले भी हमारे रिविजन चेकलिस्ट वीडियोस देख सकते हैं, विच आर एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर जेईई मेन एंड नीट प्रिपरेशन, आल्सो हेल्पफुल फॉर जेईई एडवांस। और जेईई एडवांस के लिए बूस्टर चेकलिस्ट वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल दैट यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। सो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के लिए दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। और माय डियर स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों को एनहांस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे बूस्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एट आवर टेलीग्राम चैनल। अगर ज्वाइन नहीं किया इमीडिएटली ज्वाइन एट t.me/fuzzygalaxyworld। ऑन दिस चैनल देर आर लॉट ऑफ PYQs, DPYQs, test papers and resources are regularly coming up along with different brain teaser questions, their analysis and discussion. So aaiye start karte hain now gravitation ka chapter from NCERT. In this lecture I'm going to restrict myself up to the boundaries of NCERT only. jahan pe bhi enhance jana hai, kisi bhi cheez ko deep padhna hai, aap hamare channel pe concept videos se pad sakte hain. yahan pe complete physics is available to any extent you want, you can learn on this channel. subscribe nahi kiya to kar lijiyega. aaiye start karte hain with the topic of gravitation with the fundamental idea about introduction. this is also very very important. we start with a concept, you need to note it down, everybody is accelerated toward earth. this was given by galileo. ye hum baat kar rahe hain 15th-16th century ki, जहाँ पे ये सारी डिस्कवरी इवॉल्व हुई थी। सो गैलीलियो ने ये फाइंड किया था, जब भी किसी बॉडी को रिलीज किया जाता है तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, इट फॉल्स विद सम फिक्स वैल्यू ऑफ एसोलेशन। ही हैज गिवन मेनी डेमोन्स्ट्रेशन, दिस वाज फ्रॉम वेयर द जर्नी ऑफ ग्रेविटेशन और स्टोरी ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्टेड। अलॉन्ग विद दैट कई चीज़ें हैं जिसके ईयर्स पे हम डायरेक्ट कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज दिस वाज सो ओल्ड, मेनी टाइम्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड आपको मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा, बट आई वुड से फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्कवरीज विच लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटेशन व्हाट वी आर स्टडिंग एट प्रेजेंट डे। सो नेक्स्ट वॉज अ जियोसेंट्रिक मॉडल विच वॉज गिवन बाई टॉलेमी। दिस मॉडल वॉज एनालाइजिंग की अर्थ कि चारों तरफ सारे स्टार, सन, पूरा का पूरा यूनिवर्स घूमता है। टॉलेमी ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस दिए थे, डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करी, एंड इट वाज अ वेल एक्सेप्टेड मॉडल आल्सो अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन साथ ही एक और मॉडल था, दैट वाज हीलियोसेंट्रिक मॉडल विच वॉज गिवन बाय आर्यभट्टा। जो आर्यभट्टा ने ये कहा था कि सन इज अ फिक्स सेंटर जिसके चारों तरफ ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर मूविंग इन सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन वाज द ओनली, आप लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, बाय दैट टाइम सर्कुलर मोशन वाज द ओनली मोशन एनालाइज्ड इन यूनिवर्स फॉर सेलेस्टियल बॉडीज। इसके बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट टाइको ब्राहे, जिसने क्या किया था, प्लैनेटरी मोशन पे कई साल रिसर्च करी थी, एनालाइज किया था और डेटाज को ऑब्जर्व किया था, प्लैनेटरी डिस्टेंसेस को, प्लैनेटरी मोशन को, एंड द होल डेटा एनालाइज एंड कलेक्टेड बाय टाइको ब्राहे वाज कंपाइल्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बाय जॉनस केपलर, विच आर ऑल्सो नोन एज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दिस वॉज द इनिशियल डिस्कवरी इन 15th-16th century जो सारी एनालाइज हुई थी, और बहुत तेजी से ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स गॉट इवॉल्व। और इन्हीं चीजों के बेस पे आप सबको अच्छी तरह से पता है द मोस्ट पॉपुलर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस वॉज इवॉल्व विच वॉज मैथमेटिकली एनालाइजिंग ग्रेविटेशन। अभी तक सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो एम्पेरिकल लेवल पे थी, डेटा के ऊपर बेस थी, थेरेटिकल थी, प्रैक्टिकल थी, लेकिन कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इस लेवल पे नहीं हुआ था कि फोर्स की कैलकुलेशन की जा सके। विच वॉज फर्स्ट डिस्क बाई न्यूटन, गिवन बाई फोर्स इज जी m1 m2 / r² हाउएवर बींग एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहले भी कई इनवर्स स्क्वायर लॉ आ चुके थे तो देर वॉज अ कन्फ्यूजन की वेदर दिस लॉ इज अ कॉपीड लॉ फ्रॉम अदर इनवर्स स्क्वायर लॉ और नॉट, बट फाइनली इट वॉज एक्सेप्टेड, वेल एक्सेप्टेड द ग्रेविटेशनल फोर्स थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। जी का वैल्यू कैलकुलेशन वॉज डन बाई मैनी ग्रेट फिजिसिस्ट इन देयर टाइम, बट दिस वॉज द ओवरऑल डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन। यू शुड अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशन आया कहाँ से। अब हम स्टेप बाई स्टेप एक एक करके एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं उनको इवॉल्व करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सो दिस इंट्रोडक्शन वॉज असेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी प्लीज क्लियर करें।
थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है वी स्टार्ट विद कैपलर्स लॉज, जो डिस्कवरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज थे. कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन बेस्ड ऑन दी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस डन बाय टाइको ब्राहे, और किस तरीके से कैपलर ने इन लॉज को डिड्यूस किया वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं. इंपॉर्टेंट है कि कैपलर ने तीन लॉज फ्रेम किए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स, कि जब भी एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इफ द सन एंड अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट लॉ में कही गई थी दैट वाज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, की जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करते, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं, विद सन लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स. एंड व्हेन द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, ये इलिप्टिकल पाथ होता है, और सर्कुलर पाथ इज अ स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्टिकल पाथ इन विच दिस major axis and minor axis 2a and 2b for ellipse already you might have studied in your coordinate geometry. So major axis or minor axis equal ho jayengi, to circular motion is a special case of ellipse. This is what you need to keep in mind. Then law of areas, which states ki planet jab move karta hai aur the velocity is always tangential to the orbital trajectory of a planet around sun. एट एनी टाइम अगर हम ये ऑब्जर्व करें डेल्टा टी टाइम में, प्लैनेट डिस्प्लेस होता है बाय डिस्टेंस वी डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द टाइम इन विच इट डिस्प्लेसेज. तो जो प्लैनेट का पोजिशन वैक्टर है आर, ये जितना एरिया स्वीप आउट करेगा दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो अगर आर का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, प्लैनेट एक्सट्रीम डिस्टेंस पे आता है विच वी कॉल द एपीहीलियन पॉइंट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दिस विल रिड्यूस टू अ मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर आर इंक्रीज हो गया है तो अब जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा तो ये जो एरिया स्वीप आउट होगा इन द टाइम डेल्टा टी, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज वी मिनिमम इन टू डेल्टा टी एट एनी पॉइंट. सो दिस एरिया इज इफ डेल्टा ए टू एंड इफ दिस एरिया इज डेल्टा ए वन, और दोनों के टाइम डेल्टा टी सेम है तो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू डेल्टा ए टू. और वी कैन राइट लॉ ऑफ एरिया सेज एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजिशन वैक्टर of planet with respect to sun is constant. What it indicates is delta A by delta T is equals to constant. और इसकी जब numerical value calculate की जाती है, just directly keep it in mind, it is given as L by 2m, where L is the angular momentum of planet with respect to sun. This is what you need to keep in mind, कि angular momentum of planet with respect to sun is L, तो in that case aerial velocity delta E by delta T remains constant. This is what you need to keep. Now third, when we talk about law of period, which states कि अगर T is the time period of this complete orbital motion, then law of period says T square is proportional to A cube, where A is the semi-major axis of this elliptical motion. So this distance from center to the aphelion point or perihelion point, this we define as A. The semi-major axis ellipse ka agar A hai, to in that case T square is proportional to A cube. To circular motion mein A equal to R ho jayega. So for circular motion you can write this for elliptical path, and we can write for circular motion or circular trajectory T square can be written as proportional to R cube. So ye teeno laws aapko achhi tarah se dimag mein rakhne hai. These were Kepler's three laws of planetary motion. Aiye next point ki taraf chalte hain. Poji clear kare. Thank you Poji. यहीं पे हम एक चीज़ और कवर अप करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. सो हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर, जहाँ पे एक मैंने इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व करता हुआ बनाया, विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, एंड एट एन इंस्टेंट इट्स पोजिशन वैक्टर इज आर. सो इस इंस्टेंट पर अगर हम देखें, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा बिटवीन द पोजिशन वैक्टर एंड वेलोसिटी, तो वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन इज एम वी आर साइन थीटा, और वैक्टोरियली यू राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन इज एम मल्टीप्लाइड बाई आर क्रॉस वी. दिस द वे हाउ वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम. पिछले चैप्टर में हमने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में ये चीज़ कवर करी है. सो माई डियर स्टूडेंट्स, अगर इस एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एक चीज़ और सामने आती है कि only force acting on planet is the gravitational force FG towards sun, क्योंकि sun planet को अपनी तरफ gravitational force से खींचेगा. So as the line of action of gravitational force passes through sun, so planet का जो इस gravitational force की वजह से इस पर टॉर्क लगेगा वो जीरो होगा, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू सन, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. सो वी कैन राइट दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, इसी एंगुलर मोमेंटम को हम ये कह सकते हैं, when it reaches farthest distance r max, the velocity will go down to minimum,
And when planet moving at the closest point, the perihelion point with respect to sun, the velocity will be maximum because the value of r is minimum. And semi-major axis can be written as r max plus r min divided by 2. Because r max plus r min is the major axis which we write as 2a. So in this situation, agar yahan pe r min v max hai aur r max v min hai, aur in points pe angle certainly 90 degree hoga. So hum ye likh sakte hain by conservation of angular momentum, mvr sin theta is equals to m v max r min is equals to m V min R max. ये चीज़ें मैंने revision checklist video में भी काफ़ी depth में cover की हुई हैं, as well as elaborated form में हैं concept videos में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. Consider either short notes as your revision videos, और पहले short notes video देख ली हैं तो revision checklist और concept videos को आप review and in-depth coverage के लिए use कर सकते हैं. So this is the way how we analyze the angular momentum of planet at different points in this orbital motion. अब इस situation में angular momentum का magnitude क्या होगा वो भी हम देख सकते हैं. अगर मान ले इस पूरे orbit का area, so area of orbit we can write as pi ab, which is the area of ellipse where b is the semi minor axis, a is the semi major axis, and if t is the time period of revolution, so we know very well the aerial velocity of planet, aerial velocity of position vector of planet can be written as delta a by delta t. This is written as L upon 2m, abhi humne padha tha, and this can be written as total area is pi ab and time is t, and aerial velocity remain constant. So average value can be written as pi ab divided by t. So from here you can calculate the value of angular momentum is 2 pi m ab divided by the time period of orbital motion. So this helps in calculating the angular momentum using the टाइम पीरियड. तो बेसिक चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमारे पास चीज़ें की है, तो जितना हम चीज़ें बिल्डअप कर लें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इंपॉर्टेंट. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो नेक्स्ट पॉइंट विल टॉक अपॉन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन ने जो एप्पल फॉलिंग थ्योरी थी उससे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इस लॉ को डिड्यूस किया, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट एज फार एज शॉर्ट नोट्स आर कंसर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज दिस इन वैरायटी ऑफ केसेस एंड द बेस पॉइंट्स यू नीड टू नो डाउन. व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट गिव्स फोर्स बिटवीन टू मासेस एम वन एंड एम टू विच अट्रैक्ट ईच अदर इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. द वैल्यू ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज गिवन एज जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो दिस द वे हाउ द फोर्स मैग्नीट्यूड इज गिवन. और इस फोर्स को वेक्टोरियली भी यूज करना जरूरी है, बिकॉज वेन देर आर मोर देन वन बॉडीज, एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं, तो वी नो फोर्सेज आर वेक्टोरियली एडेड टू ईच अदर टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, और नेट फोर्स ही डायनामिक्स की मोशन को मोशन की डायनामिक्स को एनालाइज करने के काम आता है. सो वेक्टोरियली द फोर्स वैक्टर कैन बी रिटन एज जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये तो मैग्नीट्यूड है, वी हैव टू पुट आर कैप एज अ यूनिट वेक्टर टू कैलकुलेट इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग. अगर मान लेते हैं हम m1 की बात करें, तो m1 के ऊपर m2 की वजह से जो फोर्स होगा दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन वेक्टर. अगर आप पोजीशन वेक्टर m1 टू m2 डायरेक्शन में लेते हैं तो ये r वेक्टर पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं r वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कैन बी गिवन इन ईदर वेज एम वन टू एम टू और एम टू टू एम वन. तो ये आपको थोड़ा सा जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो अप्लाई करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा. आर वेक्टर ऑपोजिट है तो एम वन पे जो फोर्स होगा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो एक पे माइनस है तो दूसरे पे प्लस होगा, दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे इन डेप्थ और ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन का पता होना चाहिए, दैट वी नो, एंड वेक्टोरियली हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज टेकन फॉर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर और अपोजिट टू आर, दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन. आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो वेन आर वी टॉक अबाउट फोर्सेज, इट इज़ एसेंशियल टू टॉक अबाउट सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज. जब एक से ज़्यादा फोर्सेज किसी बॉडी पर लग रहे होते हैं तो उनका वैक्टर सम नेट फोर्स देता है बॉडी पर, विच हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ एसेलेशन और डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल. अगर आप यहाँ पे एक केस देखें, एनसीईआरटी में ही ये सिचुएशन है, एक सेंटर पर 2m मास का बॉडी है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे कंसिडरिंग 2m एट द सेंट्रॉइड तीन बॉडीज रखी हुई हैं mm मास की. अगर हम ये चेक करें कि डिफरेंट बॉडीज पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे आप इन जनरल देख सकते हैं कि इस m मास पे एक फोर्स तो लगेगा इस 2m मास की वजह से, दिस कैन बी रिटन एज f1 वेक्टर. इस मास की वजह से इधर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स f2 वेक्टर, इस मास की वजह से इधर लगेगा f3 वेक्टर. सो देर आर डिफरेंट वेक्टर्स एक्टिंग ऑन इट, और इन वेक्टर्स की वैल्यूज आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a,
Say this distance is L, you can easily calculate the value of L, the distance of centroid from any of the vertices in terms of A. So, aap ye likh sakte hain, jo F1 hoga, magnitude hoga, wo G into 2M multiplied by M divided by L square. F2 and F3 in magnitude will be equal and the values will be gm square divided by a square. These are the values of F1, F2, F3. Ab baat kare is mass pe net force kitna lag raha hai, to we need to superpose the three. Uska best tarika ya to vector sum kare ya along x direction or along y direction hum in forces ke components le sakte hain. Say if we talk about this angle, this will be 30 degree and this will be 60 degree. So, in this situation, net force acting on the particle in x direction on this m, this can be written as F2 plus F1 cos 30 degree plus it is F3 cos 60 degree. Similarly, F acting in y direction on m will be F2 ka koi component nahi hoga, it will be F1 sin 30 degree plus F3 sin 60 degree. If we are able to calculate these two values, we can directly write the net force acting on M will be root of Fxm square plus Fym square. This is the way how we calculate the resultant force on a particle. X mein nikal gaya, Y mein nikal gaya, then the resultant can be written as this, or Fm vectorially can be written as Fxm I cap plus Fym g cap. This is the way how we analyze the net force acting on this particle. So, jab bhi ek se zyada particle ho, this is a special case I have taken, but any type of case can be considered jahan pe sari bodies ke forces nikal ke aapko vector sum karna hai. The idealistic way out is along I cap and g cap aap forces ko resolve karein aur sum up karke resultant nikal lein. Ab is body ka agar net acceleration nikalna hai when it is released, so net force upon mass can be used by Newton's law of motion, this would be the acceleration of this mass. Aiye aage badhte hain next point pe, clear kare Poji. Thank you, Bhoji. Students, NCERT mein ek aur section diya hua hai in blue box, that is central force. Central force ki in-depth analysis abhi aapko cover karne ki zarurat nahi hai. It is beyond the scope of NCERT. GE advanced level ya Olympiad level pe cheezein kaam aati hain, to hum advanced cases ke andar discuss karenge. Although some advanced illustration I've taken up jahan pe central force ki baat kari hai. Yahan pe ek base idea aapko pata hona chahiye ki central force hota kya hai. Just have a look on the situation. There is a particle P which is moving in a trajectory or a spec force lag raha, it is directed acting towards a point O. Point O has to be in the plane of trajectory. So in that case, jahan tak ye particle move karta jayega, iski velocity may get changed to V dash. The position vector initially it was R, it will change to R dash, but force is still acting. It may change to F dash, but still it is acting toward the point O. So, two things you have to keep in mind. Agar force ek point ki taraf lag raha hai, jo point us trajectory ke plane mein hai, and it is always directed toward point O, then the force is called a central force. So, central force aap hamesha dhyan rakhenge. Force acting on a moving particle always act toward a fixed point in plane of trajectory. Is called central force. This is what you need to keep in mind ki central force kya hota hai. Central force aisa force jo trajectory ke plane mein koi ek point hoga aur hamesha puri trajectory pe force usi point ki taraf act kara hai. This is what we call central force. That's it. NCERT fundamental level pe, even up to the level of GE mean or NEET, you don't need to go beyond this level. So this is what we define as central force. Aaiye aage badhte hain, Poji clear kare. Thank you, Poji. Students, humne abhi Newton's law of gravitation cover kiya, which is given as gm1 m2 by r square. Yahan pe the value of g, which is called as universal gravitational constant, this calculated by Cavendish, Henry Cavendish, using a set of experiment jisme do balls thi, ek fixed separation ke upar fix ki gayi thi aur ek wire se suspend ki gayi thi, aur ye dekha gaya tha ki nearby balls rakhne pe in balls pe jo force lagta hai to wo torque kis tarah se change hote hain. Based on that experiment, you can go through the complete experiment given in NCERT textbook, but the base was to calculate the value of G. The value of G comes out to be 6.67 into 10 to power minus 11 units of G. Here you can see this Newton meter square per kilogram square. This is the way how the value of G was calculated, and it is useful in many applications of gravitation. Like next point here, I'm taking point number 8 is acceleration
due to gravity. If we talk about acceleration due to gravity, that is Earth's gravity. Earth ki surface pe agar baat kari jaye, if we consider this as Earth of radius Re and its mass is considered to be Me. We know any body placed on Earth will be experiencing the attractive force towards center of Earth. Agar yahan pe M mass hai, to is M mass pe towards center of Earth force lagega F. और सरफेस के लिए हम एफ एस लिख देते हैं क्योंकि हमने एम मास को कहाँ रखा है, अर्थ की सरफेस पे रखा है. सो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम एफ एस की वैल्यू लिख सकते हैं जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, क्योंकि अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर, तो अर्थ का जो मास है वो हम इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड कंसिडर कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन अगर अर्थ का मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस सिचुएशन में इस पूरे अर्थ के मास को और इस मास को आर ई डिस्टेंस पे मानेंगे और इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास एम. और अगर इस एम मास को रिलीज किया जाए अर्थ से नेग्लिजिबल हाइट पे या थोड़ी सी हाइट पे, तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन जी. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें जिसको हम स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिटर्न एज एफ एस बाई एम, इट कम्स आउट टू बी जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप निकालते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज जी एस, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर. आइए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. हेयर वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ जी अबो एंड बिलो द अर्थ सर्फेस. अगर अर्थ सर्फेस के ऊपर बात करें, तो वी नो वेल कि अर्थ के सर्फेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी एस, जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड जी एस इज गिवन एज जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर. इफ एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ. अगर हम अर्थ सर्फेस से एच हाइट पे चले जाएं और यहाँ पे अगर हम कोई एम मास रखते हैं, तो वी कैन सी अर्थ का मास एम ई सेंटर से आर ई प्लस एच डिस्टेंस के ऊपर है. सो ऑन दिस मास एम द फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कैन बी रिटर्न एज, विच कैन बी रिटर्न एज फोर्स एट अ हाइट एच. द वैल्यू इज जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर. सो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच लेंगे, तो दिस कैन बी रिटर्न एज एम मल्टीप्लाइड बाई जी एच. फोर्स अगर मास इन टू एक्सेलरेशन लिखते हो, तो जी एच का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, एम गेट्स कैंसल्ड आउट. So this will not be Re square, this will be written as Re plus H whole square. So this comes out to be G Me upon Re plus H whole square. This is the expression you need to use. H height पे जो acceleration होगा वो होगा ये, और अगर G Me का value जी एस आर ई स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, तो this becomes G on surface of earth multiplied by Re upon Re plus H whole square. This is also the expression you need to keep in mind. इसको भी आप as it is दिमाग में रखेंगे. और इसी को एक और expression पे modify किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे H की value बहुत छोटी है, तो यहाँ पे G at a height H we can write as GS upon, इसको आप लिख सकते हैं 1 plus H over Re का whole square. और binomial expression से अगर इसको expand करें, तो ये numerator में ले जाके हो जाएगा GS into 1 minus 2H over Re. यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर है उसको अंदर ले लिया है. सो दिस एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एच इफ एच इज वेरी लेस कंपेयर टू आर ई. अब इन चीज़ों को डेप्थ में आपको कवर करना है, आप कॉन्सेप्ट वीडियो से देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे. एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट नोट्स आप इसको क्विकली पिकअप कर सकते हैं कि एट ए हाइट एच जो जी का वैल्यू है, अगर एच बहुत छोटा है तो गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और अगर एच बड़ा है तो इट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ये ध्यान रखेंगे. दिस अबाउट अबो द अर्थ सर्फेस. अगर अर्थ सर्फेस के अंदर चले जाते हैं, अर्थ के अंदर अगर एट ए डिस्टेंस डी देखा जाए इन दिस केस, सो हियर यू कैन सी इस P पॉइंट पे अगर एक M मास रखा जाए, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा वो इसके अंदर की जो X रेडियस का स्फेयर है, और इस X को आप लिख सकते हैं Re माइनस डी. तो Re माइनस डी रेडियस के स्फेयर की वजह से इस M मास के ऊपर फोर्स लगने वाला है. एंड इफ यू विश टू कैलकुलेट दिस फोर्स, दैट कैन बी गिवन एज जी स्मॉल m. अब इसके अंदर का मास लेंगे, विच कैन बी रिटन एज स्मॉल m e. यू कैन राइट दिस m e, क्योंकि अर्थ का मास कम है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. क्योंकि सिर्फ इसके अंदर के मास को हम अर्थ के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आउटर शेल की वजह से अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगता है. दिस यू कीप इन माइंड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्री ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन. अंदर आउटर शेल की वजह से विच इज सिमेट्रिक, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. सो यहाँ पे वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम ई, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाई डेंसिटी. दिस एम ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू, विच इज द डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ एन अर्थ स्फीयर इज 4/3 पाई
x cube. We can substitute it over here. So the value of force we are getting is gm. This is me multiplied by x cube by r cube. So x cancel ho jayega, divided by r cube. This is what we are getting. And this can be written as m multiplied by gd. Because g at a depth humko calculate karna hai, the force is mass into acceleration, this force at a depth d. So this gives us the value of g at a depth is equals to, m gets cancelled out, it is g me divided by re cube multiplied by x, which can be written as re minus d. And if we take one re inside, g me by re square ko hum gs likh sakte hain. So if you put the value, this gives us the value gs multiplied by 1 minus d over re. This is the value of g at a depth d we are calculating. So dono expression aap dhyan mein rakhe, although maine calculation concept videos mein in depth kar rakhi, revision checklist mein kar rakhi, but phir bhi for a quick review, making short notes understandable, I have done it. So just keep this value in your mind. Aage badhte hain next point pe. Poji clear karein. Thank you, Poji. Next point, we'll talk about gravitational potential energy. My dear student, pichle chapter mein humne potential energy ke baare mein baat kari thi. When we talk about potential energy, it is a stored kind of energy which we consider as potential energy. और जब भी कभी external work किया जाता है और forces involved अगर conservative होते हैं, तो वो वाला जो work है, वो या तो किसी system की energy से निकलता है या उसके अंदर energy बढ़ाता है. That means conservative forces हमेशा potential energy को या बढ़ाते हैं या कम करते हैं, depending on work is positive or negative. ये बात पिछले chapter में अच्छे से हम कर चुके हैं. अगर आपने NCERT short notes work energy power के नहीं देखे हैं, तो you can watch that. Now एक चीज और हमने डिस्कस करी थी, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक रेफरेंस कंसीडर करना होता है, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्युटली जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कंडीशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को आर्बिट्रेरीली जीरो कभी भी कंसिडर नहीं किया जा सकता. सो इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है पहले उसकी बात करते हैं. अगर कोई भी दो बॉडीज इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक बॉडी का कभी दूसरी बॉडी पर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, फोर्स ही नहीं लगेगा. सो हम ये कहते हैं जब नो इंटरेक्शन स्टेट होती है, दैट इज इन जनरल वी कंसिडर is the state of zero gravitational potential energy. So state of, we can write state of no interaction is considered as zero ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर दो पार्टिकल हैं इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेंगे. और अगर एक केस कंसिडर किया जाए, देर आर टू पार्टिकल सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, तो इस केस में द पोटेंशियल एनर्जी यू ग्रेविटेशनल कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ जी एम वन एम टू बाई आर. एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इवेल्युएटेड बाई वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू द गिवन सेपरेशन आर. कैलकुलेशन आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. You will get this expression. NCERT आपके सामने है, तो वो देख भी सकते हैं, but short notes में you just need to use the expression. और अगर दो से ज्यादा पार्टिकल हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्यूमुलेटिवली निकाल लेंगे. एंड फॉर दिस एक्सप्रेशन वी कंसिडर जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टेट ऑफ नो इंट्रैक्शन. अगर अपन निकालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स यू नीड टू कंसिडर द कॉम्बिनेशन. लाइक अगर हमारे पास तीन पार्टिकल हैं, एक m1 है, एक m2 है और एक यहाँ पे m3 है, देर आर सेपरेशन दिस से r3, दिस r1 एंड दिस r2. तो इस सिस्टम में तीन पेयर्स बनेंगे, m1, m2, m2, m3 और m1, m3. तो इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल द थ्री पेयर्स. सो इट गिव्स यू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर थ्री, माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन आर टू, माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन आर वन. दिस द वे हाउ वी कैलकुलेट. जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सबको लेना है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द सिस्टम इज इन अ स्टेबल स्टेट कंपेयर टू द स्टेट एट इन्फिनिटी. जब नो इंट्रैक्शन था, जब इनको पास लाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप इनको पास लेके आ रहा है. तो जब ये पास आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग वर्क. तो इनिशियली जीरो एनर्जी के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर रहा है पार्टिकल्स में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी. तो हमेशा फॉर एनी गिवन सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल और मल्टी पार्टिकल सिस्टम विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज. और ये आप एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब किसी सिस्टम में नेट फोर्सेस रिपल्सिव होते हैं, तो ग्रेविटेशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, और नेट फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज नेगेटिव. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी.
Let us talk about application of energy conservation in gravitational forces. Ek situation dekhte hain, do masses M1 and M2, initially they are separated by a distance R1. Agar in dono masses ko apni jagah se chhod diya jaye, I am taking an illustration over here to explain you the concept, baki isko aap kahi jagah pe laga sakte hain, but this is such a common concept jo aapko short notes mein rakhna chahiye. It gives you, it provokes you to enhance your thinking jab bhi koi question aapke samne aayega. So do masses R distance, R1 separation pe agar inko chhod diya jaye, to because of gravitational attraction ye ek dusre ki taraf move karenge. और क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है व्हेन द सेपरेशन रिड्यूसेस टू R2, तो ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में स्पीड V1 और V2 अटेन हो जाएगी दोनों मासेस के अंदर M1 M2 में, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 की कितनी स्पीड अटेन होगी व्हेन द सेपरेशन बिकम्स R2. तो आप पहली चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, और हमेशा ये बात दिमाग में रखें, इन एनी केस इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज सिस्टम मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो इनिशियली क्योंकि दोनों मासेज ये रेस्ट पे थे, तो इनिशियली द मोमेंटम ऑफ सिस्टम वॉज 0. सो जब ये मूव कर रहे होंगे तो भी ओवरऑल क्यूमुलेटिव सिस्टम मोमेंटम विल बी 0. तो वी कैन राइट इन दिस स्टेट M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, तभी M1V1 माइनस M2V2 नेट 0 हो जाएगा. सो फाइनली मोमेंटम दोनों इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में गेन करेंगे ताकि नेट मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी 0 रहे. नाउ वी कैन ऑल्सो स्टेट वन थिंग, बाई एनर्जी कंजर्वेशन here we can say initially there was no speed, so kinetic energy of particles was 0, but there was a potential energy given as initial energy of system was minus g m1 m2 divided by r1. If we talk about final energy when they are at a separation r2, to inki gravitational potential energy hogi minus g m1 m2 divided by r2 plus the kinetic energy will be half m1 v1 square plus half m2 v2 square. तो आप यहाँ से V1 या V2 में से किसी भी एक की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास V1 भी निकल जाएगा, V2 भी निकल जाएगा. दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड एज एक्सटर्नल फोर्सेज आर 0, वी हैव यूज्ड मोमेंटम कंजर्वेशन ऑल्सो. यही लॉजिक कई जगहों पर हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिड्यूस करने में भी काम आने वाला है. तो ये कॉन्सेप्ट बेस लेवल पर आप ध्यान में रखें, फंडामेंटल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ यूजफुल केस. आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी. इट इज सच एन एप्लीकेशन जो बहुत जगहों पे अभी आगे भी काम आने वाला है. यू नीड टू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस. अगर हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी है ऑफ मास m एंड इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी v, हमें ये निकालना है कि अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट ये राइज करेगी जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. दिस व्हाट यू कैलकुलेट बाय यूजिंग स्पीड इक्वेशन इन केस अगर अर्थ सरफेस से थोड़ी सी स्पीड से बॉडी को थ्रो किया जाए, क्योंकि एज बॉडी राइजेज अप उसकी जी का वैल्यू यानी एसेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और आप निकाल लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी को 0 डाली h आ जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g. बट यहाँ पे जब अर्थ से थ्रो की गई बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इन दिस सिचुएशन जी का वैल्यू वेरी कर रहा है, यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन इट. व्हाट वी नीड टू डू इज एनर्जी कंजर्वेशन इन सच केसेस. अगर हम कैलकुलेट करें एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो बॉडी की एनर्जी होगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ सॉलिड स्फेयर का मास हम सेंटर पर मानते हैं, प्लस द काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड इज हाफ एम वी स्क्वायर. वेयर एज फाइनल एनर्जी ऑफ बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी व्हेन इट रीच हाइट, H is given as minus G M E M divided by R E plus H plus 0, because at maximum height final kinetic energy becomes 0. Now in this situation, क्योंकि बाहर से body पे और earth के system पे कोई energy supply या extract नहीं हो रही, this is the energy between the body and earth, so total energy remain conserved. So we can write by energy conservation, यहाँ पे आप लिख सकते हैं E on surface which is the initial energy must be equal to final energy. So here you can write minus G M E M divided by R E plus half M V square should be equals to minus G M E M divided by R E plus H. It is a simple equation, linear equation, and so solving this will give you the value of height to which the body rises. That's the answer to this particular illustration what we needed to calculate. यही application कई जगहों पर हमारे काम आने वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. इसके काफ़ी एडवांस एप्लीकेशन मैंने रिविजन चेकलिस्ट में भी लिए हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी लिए हैं, बट NCERT में विल रिस्ट्रिक्ट अप टू द फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ हाइट कैलकुलेशन. इसके अलावा आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा. बट यस, JEE मेन नीट में कुछ डायरेक्टिव केसेज और होते हैं, तो आप रिविजन चेकलिस्ट वीडियोज़ और
हमारे कॉन्सर्ट वीडियोस देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको लगता है कि इन डेप्थ स्टडी करनी है तो फजत गैलेक्सी की वॉल्यूम वन में मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन का चैप्टर इंक्लूडेड है, उस ग्रेविटेशन के चैप्टर को डेप्थ में देख लीजिए तो आपकी चाहिए एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन भी आगे कवरअप हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट एस्केप स्पीड। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एस्केप स्पीड, आई थिंक आपने अपनी अर्ली ग्रेड्स में कुछ ना कुछ एस्केप स्पीड के बारे में पढ़ा होगा। हियर वी टॉक अपॉन दैट इट इज़ द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सर्केप टू अर्थ सर्फेस टू एस्केप इट्स ग्रेविटी। यानी अगर हम कंसिडर करें आर ई रेडियस अर्थ का है और एम ई इसका मास है और इसकी सर्फेस से एम मास की बॉडी को वी स्पीड से थ्रो किया, तो वी की वो वैल्यू जिससे थ्रो करने पर यह बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करके बाहर निकल जाए स्पेस में और वापस ना आए, देन दिस मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। हाउ वी कैन कैलकुलेट, सीधी सी बात है, अभी जो अपनी पिछली स्लाइड में हमने एच कैलकुलेट किया था कि वी स्पीड से थ्रो करने पे बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाती है, और अगर वी स्मॉल है तो आप स्पीड इक्वेशन से निकालेंगे, वी लार्ज है तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने निकाला पिछली स्लाइड पे, दैट्स व्हाट यू नीड टू बिल्ड अप। लेकिन यहां पे हमको मिनिमम स्पीड निकालनी है टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी, तो हमको एच को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, यानी इनफाइनाइट पे बॉडी पहुंचाने के लिए जहां से वापस ना पाए अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में, तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, दैट वी कैन कैलकुलेट अगेन। The energy on surface of Earth is half mv square is the kinetic energy and we considered as escape velocity, I'm writing it as ve, and potential energy of body with Earth is g me m divided by re। ये energy होगी surface of Earth पे, और जब body infinity पे पहुंच जाएगी तो हम ये लिख सकते हैं at infinity इसकी speed zero हो गई, क्योंकि minimum speed चाहिए कि वो infinity तक पहुंच जाए। तो अगर इस escape speed से ज़्यादा speed से throw करेंगे तो जब वो escape कर चुकी होगी तो भी उसमें कुछ एनर्जी बची रह जाएगी। बट एनी वे, फॉर मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी, इन्फिनिटी पे वेलोसिटी हम जीरो ले लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कैन ऑल्सो भी टेकन एज जीरो बिकॉज इट इज द स्टेट ऑफ नो इंटरेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हम इनफाइनाइट सेपरेशन बिटवीन बॉडीज लेते हैं, जब बॉडीज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो उस स्टेट को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर लेते हैं जहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो नो इंटरेक्शन स्टेट इज कंसिडर्ड एज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी एट इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज सिंपली माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, एच इज टेकन एज इन्फिनिटी विच बिकम जीरो एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट टू एस्केप energy provided on earth surface should be greater than or equal to zero when we put it over here, this gives half mve square should be greater than equal to this is equals to gme m divided by re, m gets cancelled out and this gives us the value of escape speed should be greater than or equal to, this will be root of 2gme m, m gets cancelled out, so this divided by re, सो दिस वॉट यू आर गेटिंग, और इसको इन टू आर ई बाई आर ई कर देंगे तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेस। सो एस्केप स्पीड कैन बी रिटर्न एज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 2gre विच कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन सिंबल को हटा के इक्वालिटी लगा देता हूँ बिकॉज दिस द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड टू एस्केप, अगर इससे ज़्यादा होगी तो एस्केप कर ही जाएगा, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी अर्थ सर्फेस से फायर या थ्रो या प्रोजेक्ट की जाती है तो वो इन्फिनिटी तक पहुँच जाती है, एंड एट इन्फिनिटी वी कंसिडर नो इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेपरेशन इन्फाइनाइट हो गया तो एनर्जी हमने जीरो ले ली, फोर जीरो ले लिया, तो वो पुल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो बॉडी को वापस ला पाए। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट, एंड द एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इन शॉर्ट नोट्स अलॉन्ग विद दिस एनालिसिस, क्योंकि छोटे छोटे एनालिसिस अगर आप ये शॉर्ट नोट्स में रखेंगे तो दिमाग को प्रोवोक करने के लिए, आपको दिमाग को इम्पल्स देने के लिए व्हेन यू रीड आउट अ क्वेश्चन, दीज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो विल टॉक अबाउट वाई देर इज नो एटमोसफेयर ऑन मून। अभी अभी हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करी थी, अगर हम मून की एस्केप वेलोसिटी देखें, यानी मून की सरफेस से किस स्पीड से एक पार्टिकल को थ्रो किया जाए कि हम मून ग्रेविटी को एस्केप करें, तो फॉर्मूला भी हमने देखा, इट इज रूट टू जी आर। सो मून की ग्रेविटी हमें पता है इट इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, तो दिस कैन बी रिटन एज 9.8/6, और रेडियस ऑफ मून होती है 1740 किलोमीटर। सो इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वो
वेलोसिटी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर पार्टिकल्स में होती है या इससे ज़्यादा होती है, इसलिए मून की सराउंडिंग में अगर गैसेज होंगी भी तो मून की ग्रेविटी उन गैसेज को होल्ड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से इन जनरल ज़्यादा होगी और गैसेज एस्केप कर जाएंगी। दैट्स वाई देर इज नो एटमोसफेयर ऑन मून, और दिस इज एस्केप स्पीड और अर्थ ग्रेविटी और एनी प्लैनेट्स ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर विद द प्लैनेट। दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। Thank you, Boji. Let us talk about another good application of energy conservation in gravitation, that is crossing a neutral point between planets. आपको NCERT में एक example मिलेगा यहाँ पे. If we talk about this example, there are two planets of masses m and 4m separated by a distance 6r और दोनों का radius r है. अब पहले planet की surface से एक m mass की body को v speed से दूसरे की तरफ project किया जाता है और एक question पूछा गया, find minimum speed v to reach the surface of other planet. Obviously ये इस planet की surface पे body है तो ये planet को ज्यादा पुल करेगा कंपेयर टू अदर बॉडीज। दैट्स व्हाई ऑल बॉडीज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आर इन कांटेक्ट और अट्रैक्टेड बाय अर्थ। लेकिन अगर हमको अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट पे एक बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर इस बॉडी को थ्रो करेंगे तो जब ये इसके पास पहुंचेगा तो ऑब्वियसली दूसरा प्लैनेट ज़्यादा पुल करने लगेगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमको मिनिमम स्पीड निकालनी है कि ये दूसरे प्लैनेट की सरफेस तक पहुंच जाए। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑन दिस लाइन। मान लीजिए एक पॉइंट है एन जो फर्स्ट प्लैनेट से एक्स डिस्टेंस पे है और दूसरे प्लैनेट से सर्टेनली इट विल बी एट 6r माइनस एक्स डिस्टेंस। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे दो प्लैनेट की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, यानी इस पॉइंट पे जितना ये पुल करेगा उतना ही इस मास को वो पुल करेगा, तो यहां पे नेट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द एंड ऑन एनी बॉडी प्लेस्ड विल बी जीरो। सो इस पॉइंट की अगर बॉडी लेफ्ट में होगी तो लेफ्ट के प्लैनेट का पुल ज़्यादा होगा, इसके राइट में होगी तो राइट के प्लैनेट का पुल ज़्यादा होगा। तो हमारा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि ये बॉडी अगर न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर गई तो दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी इस बॉडी को खींच के ले जाएगी, तो हमें मिनिमम इतनी स्पीड देनी है कि ये एक्स डिस्टेंस तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट टू कैलकुलेट एन, हियर वी यूज the balance of the two gravity by the planets. So first wale ki hogi g capital m m by x square, this is the gravitational pull on the mass when it is at n. So this must be equal to g multiplied by 4m into m divided by 6r minus x ka whole square. So yeah, m m g gets cancelled out. If we simplify this gives 6r minus x is equals to 2x. It can also be written as plus minus 2x because the square the. Here if we calculate the value of x, this becomes 6r is equals to, aap x ko right hand side le jate hain. So if it is positive, it will become 3x or it will be, if you just check, to ye agar minus 2x plus x hoga, so this will be taken as 3x or x. Either ways we can write, or minus x. So in this situation, the value of x we are getting is 2r or minus 6r. So yeah, minus 6r insignificant hai, no significance, kyunki minus yani opposite side koi neutral point practically exist nahi karega. Mathematical point pe abhi discussion nahi kar rahe hain. So value of x has to be equal to 2r. Yani agar is neutral point jo ki इस प्लैनेट से 2r डिस्टेंस पे है, अगर ये प्लैनेट पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल स्पीड जीरो हो जाती है और ये क्रॉस कर जाता है, तो इनिशियल स्पीड इस वैल्यू से थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस करेगा एंड अदर प्लैनेट विल बी एबल टू पुल इट। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड फॉर दिस प्लैनेट टू रीच द सरफेस ऑफ अदर प्लैनेट बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ी जगह बनाते हैं पोजी, प्लीज क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो अगर हम इनिशियल एंड मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ऑन द सर्फेस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द फर्स्ट प्लैनेट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर एंड ड्यू टू अदर प्लैनेट ऑल्सो देर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास बिकॉज इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 5r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर प्लैनेट। सो दिस वुड बी जी इंटू 4m इंटू एम डिवाइडेड बाई 5r। ये होगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और बॉडी जब न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा तो एट न्यूट्रल पॉइंट टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक को हम जीरो ले लेंगे माइनस ग्रेविटेशन एनर्जी फ्रॉम दिस प्लैनेट इज जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r और दूसरे प्लैनेट से अब क्योंकि ये डिस्टेंस 2r है तो दिस विल बी 4r। सो दिस विल बी जी मल्टीप्लाइड बाय 4m एम डिवाइडेड बाय 4r। सो फ्रॉम हियर बाय एनर्जी कंजर्वेशन और to fulfill the purpose is
to cross the neutral point. Once the body crosses neutral point, body will be able to reach the other planet, because dusre planet ki gravity supersede kar jati hai. So we can simply write initial energy should be greater than equal to the energy required at neutral point. So it cross kar jayega, equality is there for minimum value. So if we put the values yahan pe, m can be cancelled out, this becomes half mv square minus gm by r minus gm 4 by 5 is greater than or equal to energy at neutral point is gm by 2r minus g into m by r. You can easily simplify the value. Main calculation nahi karun directly, I just write the value. This gives us the value of speed as root of 3 by 5 gm by r. This is the value you are going to get. That's the result. Aur ye pura analysis NCERT mein bhi given hai. क्योंकि अभी एग्जांपल मैंने कहीं कॉन्सेप्ट वीडियो में या चेकलिस्ट से लिंक नहीं किया, दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व द होल एनालिसिस टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग शॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ न्यूट्रल पॉइंट क्रॉसिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन डिफरेंट क्वेश्चंस. सो आप अच्छी तरह से इस सिस्टम को देख लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स में पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए. सो अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन एंड एस्केपिंग अ प्लैनेट रीचिंग अदर प्लैनेट, दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. So let's talk about Earth satellites, which is a very important section in understanding of satellite motion. अगर हम बात करें कि Earth से h height पे, Earth surface से h height पे एक satellite है which is revolving around the Earth. अगर हम Moon की बात करें, which is the only natural satellite of Earth, Moon भी revolve करता है at a particular height, तो Moon के ऊपर भी वही laws applicable हैं जो artificial satellite पे हम लगा सकते हैं. Now in the situation if the satellite is moving with a velocity v, certainly it can be in an orbital motion. अगर इस पे जो gravitational force लग रहा है due to Earth, this gravitational force provide the necessary centripetal force to maintain its circular motion. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, the gravitational force is providing mv square by radius of the satellite can be written as re plus h. mv square by r is the centripetal force provided by gravity, which can be given as g mass of Earth m divided by re plus h whole square. So this gives us the value of speed at which satellite is orbiting, which can be written as root of gme divided by re plus h. Or agar orbit radius r hai, to this can also be written as root of gme divided by small r, where small r is the radius of orbit of satellite. So using this expression you can give the orbital velocity of satellite for any satellite if its radius or height above earth surface is given. To isse aap moon ki velocity bhi nikal sakte hain ki moon earth ke charon taraf kis speed pe ghum raha hoga. And most important thing, this is independent of the mass of a satellite. Ye ek important cheez aapko dhyan rakhni hai, this is independent of mass of satellite. ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि satellite के mass से ये independent रहता है. So be careful about such situations. Now if we critically talk upon the orbital speed of such a satellite जो earth surface के बहुत पास में है, और इसके orbital motion के time period क्या होंगे, that also we'll see. थोड़ी जगह बनाते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो ऑर्बिटल स्पीड हमने पढ़ ली. अगर हम सबसे पहले कैलकुलेट करें टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट, दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई, द टोटल पाथ लेंथ इज 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. दैट्स द वे हाउ वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट ऑफ जी एम ई मल्टीप्लाइड बाई दिस आर ई प्लस एच टू पावर 3 बाई 2. सो अगर हम एक्सप्रेशन को स्क्वायर करते हैं, दिस बिकम टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई मल्टीप्लाइड बाई आर ई प्लस एच होल क्यूब. अगर आप ध्यान से देखें तो दिस कैपलर्स थर्ड लॉ फॉर अ सर्कुलर मोशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर ई प्लस एच, दिस कैन बी रिटन स्मॉल आर एस एज वेल. सो ये हमारा कैपलर्स थर्ड लॉ का एक्सप्रेशन आ गया. एंड वी ऑल्सो कैलकुलेटेड the proportionality constant in Kepler's third law. This will always be 4 pi square upon g me, and here instead of me you can use jo bhi central body hai uska mass yahan pe use hoga. For planets around sun aap ye keh sakte hain, for planets around sun we can write t square is equals to 4 pi square upon g into mass of sun multiplied by a cube, where a is the semi-major axis of the planet in the elliptical orbit around sun. Or agar wo circular orbit hai to a ki jagah hum radius of orbit dal denge. This is the way how we can directly deduce the proportionality constant in Kepler's third law. That's what you need to keep in mind. Aage badhte hain. Poji clear kare.
थैंक यू भोजी. नाउ विल टॉक अपॉन ऑर्बिटल स्पीड नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ. जिस सेटेलाइट मोशन की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज यानी एच टेंडिंग टू जीरो कर दिया जाए, नेग्लिजिबल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ कर दिया जाए, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द स्पीड एट विच बॉडी विल नॉट फॉल ऑन अर्थ और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहेगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर ई, ऑर्बिटल स्पीड कैन बी रिटन एज रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई. Now in this situation if we calculate the value of this orbital speed, here you can see substitute karenge value to this comes out to be approximately 7.9 kilometers per second. That's what you need to keep in mind. Aur agar earth surface ke bahut close अगर एक बॉडी को वीओ से थ्रो करते हैं तो ये यहीं पे ऑर्बिटल मोशन करती रहती है. दीज आर जनरली द सैटेलाइट्स विच आर वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस आर जनरली कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जो बहुत क्विकली अर्थ के डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वन पॉइंट से अदर बिकॉज दिस अ प्रेटी हाई वेलोसिटी. अगर इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन भी देखा जाए तो टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 4π² / gme मल्टीप्लाइड बाई दिस आर ई क्यूब whole root. This is the time period we calculate. When you substitute the values and calculate, this comes out to be approximately 85 minutes. So, लगभग डेढ़ घंटे के अंदर ये सेटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम के वापस आ जाता है. That's why these are called remote sensing satellites. की लगभग डेढ़ घंटे में पूरे अर्थ की इंफॉर्मेशन निकाल के सेटेलाइट अपने स्टेशन के ऊपर आता है और सारा डेटा दे देता है. सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज द स्पीड एट विच वेन अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सर्फेस इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट ताकि पहाड़ों से ना टकराए, सो दैट इट विल बी कंप्लीटिंग एन ऑर्बिटल मोशन विच इज अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस बट सर्टेनली इट शुड बी अबो अर्थ एटमॉस्फेयर, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से बर्न हो जाएगा इस स्पीड पे या वापस से गिर जाएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. अगर हम एक सैटेलाइट की बात करें जो स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में एक प्लैनेट के सराउंडिंग में घूम रहा है, तो वी हैव डिस्कस्ड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज गिवन एज रूट ऑफ जी एम पी अपॉन स्मॉल आर. और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इसकी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर. जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर गिव्स अस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो इन द सेम मैनर वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट. आप अर्थ के केस में मास ऑफ प्लैनेट की जगह एम पी ले लीजिए, रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह आर पी ले लीजिए. यहाँ पे इन दिस सिचुएशन we substitute the values, the total energy comes out to be half m v square when you put it as g m p upon small r minus g m p m divided by small r. This gives the total energy is equals to minus g m p m divided by 2 r. This is what you need to keep in mind. One thing is the total energy. When we talk about this kinetic energy of satellite and the potential energy of satellite, you can deduce a relation because this is orbital motion under inverse square force. So for satellite, we can also write here its total energy of satellite in magnitude is equals to kinetic energy of satellite in magnitude, and this is half of the potential energy of satellite. So this is a very famous and common relation between total energy, kinetic energy and potential energy of a body in a bounded circular motion whenever the circular motion is under inverse square forces. Electrostatics mein bhi jab ek charge particle ki surrounding mein dusra particle revolve hota hai, then this relation prevails because electrostatics is governed by Coulomb's law which is also an inverse square law. Similarly ek atom mein nucleus ki surrounding mein jab electron ghumta hai, that is also moving in bounded motion under inverse square law. So there also this relation holds. So ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. In all such inverse square law cases of bounded motion, this relation is quite useful. आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. लेट अस टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट. सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो सबसे पहली चीज, अगर हम एक सेटेलाइट की बात करें जो ऑर्बिटल मोशन में वी स्पीड से, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट मोशन कैन बी रिटन एज रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच. दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड इफ एम ई इज द मास ऑफ अर्थ. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो टी इज गिवन एज रूट ऑफ जी एम ई रूट ऑफ
4 pi square divided by gme multiplied by re plus h to whole power 3 by 2. This is the time period of orbital motion of satellite. Now, in this situation, agar koi satellite earth se dekhne pe move hota hua hi na dekhe, hamesha apne overhead dikhai de. Yani, if at this point, there is some observer or geostationary satellite is ke overhead hai. So, jis angular speed pe earth rotate ho rahi hai, say if earth is rotating at an angular speed omega e aur satellite ki bhi angular speed of revolution omega e hi hai, to jab ye observer yahan pahunchega to us time pe geostationary satellite yahan pahunch jayega. That means if angular speed of orbital motion of satellite is exactly equal to that of the earth, toh hamesha wo ek earth ke point ke overhead hi located rahega. Such satellites are called geostationary kyunki earth ki geography ke किसी पॉइंट के अगर ओवरहेड ये सैटेलाइट है तो हमेशा वो उस पॉइंट के ओवरहेड ही रहता है. अब देयर आर फ्यू फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन माइंड. द वेरी फर्स्ट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी इन एन इक्वेटोरियल प्लेन क्योंकि हमेशा ये इक्वेटर के ऊपर ही रह सकता है. इक्वेटर के अलावा कहीं पे होगा तो कभी ओवरहेड नहीं रह सकता क्योंकि अर्थ के ऑर्बिटल मोशन को हम इक्वेटोरियल प्लेन से ही एनालाइज कर सकते हैं. किसी और प्लेन पे जो मोशन होगा उसकी एंगुलर स्पीड अलग हो जाएगी. भले रोटेशनल स्पीड सेम रहे लेकिन ऑर्बिटल मोशन कभी भी किसी और प्लेन नहीं हो सकता. हमेशा द प्लेन ऑफ सैटेलाइट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ. आप इसको सोचिए, इन डेप्थ अगर समझेंगे तो हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे इन फिजिक्स एंड मिनट वीडियोस में. बट यहां पे आपको ये समझना है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या एनी सैटेलाइट प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ. बट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट प्लेन मस्ट बी द इक्वेटोरियल प्लेन. यानी ये जो ऑब्जर्वर है ये इक्वेटर पे होना जरूरी है. Now in this situation, agar time period ki baat karein, to you can directly write it as 24 hours. When you calculate the value, this gives you h is approximately 35,800 km or around 36,000 km. Aap iski height likh sakte hain. Is height pe around 24 hour orbital period aa jata hai, yani angular speed which is 2 pi by 24 hour or 2 pi by 86400. रेडियन पर सेकेंड आप लिख सकते हैं. टाइम पीरियड फॉर 24 आवर इज 86400 इन सेकेंड्स. सो विद दिस एंगुलर स्पीड सैटेलाइट इज टर्म्ड एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. आइए बात करते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. Here we talk about why geostationary satellites are needed. Have a look on the situation जहाँ पे एक radio station से signal broadcast होते हैं और radio stations की general frequency जो range होती है is in the range from 2 megahertz to 10 megahertz range. और इस range की जो frequencies होती हैं ये यहाँ पे ionosphere से reflect होके वापस से आ जाती हैं. इसलिए किसी भी डिस्टेंट लोकेटेड रिसीवर तक ये वेव्स पहुंच जाती हैं और रेडियो ब्रॉडकास्ट रिसीव हो जाता है. लेकिन अगर टेलीविज़न वेव्स की बात करें जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो वो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट रेंज में आयनोस्फेयर को पेनीट्रेट करके निकल जाते हैं. टी वी सिग्नल्स जो कि होते हैं गीगाहर्ट्ज की रेंज में विच ट्रेवल्स ओनली एट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जो आप अगले चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे. बट यहाँ पर क्योंकि ये सिग्नल चले जाते हैं रिफ्लेक्ट नहीं होते तो ब्रॉडकास्ट रेंज के लिए अगर यहां पे हमारे पास एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है तो ये रिसीव करेगा और वापस से ये रिसीवर तक सिग्नल पहुंचा देगा. और हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फिक्स ही रहता है तो दिस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बिकम्स इजियर. दैट्स व्हाई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर नीडेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट्स वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स. लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पोलर सैटेलाइट और एक सेक्शन छोटा सा है वेटलेसनेस दैट विल कवर एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन. सो पोलर सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जिसका प्लेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कंटेन करता है. वी नो वेल अबाउट अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन. अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है if this is the axis of rotation of earth, this passes through south pole and north pole. तो earth इस axis के about revolve होती है and this is the equator. हमने अभी भी पढ़ा हर सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका जो प्लेन होता है सैटेलाइट का जो सर्कुलर ऑर्बिट का प्लेन होता है इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ. और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में होता है क्योंकि उसको हमेशा अर्थ की एंगुलर स्पीड से ही घूमना है. अगर वो किसी और प्लेन में होगा तो वो किसी एक पॉइंट के ओवरहेड नहीं रह सकता. दैट यू कैन एनालाइज. बट पोलर सैटेलाइट होता है एक ऐसे प्लेन में विच कंटेन दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो आप ध्यान से देखें जो पोलर सैटेलाइट का एंगुलर मोशन होता है एंगुलर मोशन ऑफ पोलर सैटेलाइट
ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर होता है, अर्थ यूं घूम रही है, पोलर सैटेलाइट यूं घूम रहा है. सो द प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड अ पोलर सैटेलाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कीप इन माइंड. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज यूजफुल ओवर हेयर कि जो पोलर सैटेलाइट होता है बहुत कम हाइट पर होता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 500 to 800 किलोमीटर अबोव द अर्थ सर्फेस. सो क्योंकि एच की वैल्यू बहुत कम है तो ये ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में आ गए. हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अ सैटेलाइट orbiting around the earth at a very low height. So low height satellite लगभग 1.5 घंटे में अर्थ के चारों तरफ घूम जाता है. तो these are also remote sensing satellite. लेकिन इनका फायदा क्या है वो समझना जरूरी है, as far as its orbital motion, time period, वो सारी बातें कर चुके हैं. क्योंकि height 500 to 800 किलोमीटर होती है तो time period of polar satellite is approximately 100 minutes. वही 1.5 घंटे के आसपास होता है. H को negligible कर दोगे तो 85 minutes आ जाएगा. नो इन दिस केस जब ये लगभग 1.5 घंटे में अर्थ का पूरा राउंड लेके आ जाएगा तो अर्थ की एक पूरी जो स्ट्रिप होगी जहाँ तक इसका सिग्नल जाता है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिमिटेड स्कोप है, बट रिविजन चेकलिस्ट में और हमारे कॉन्सर्ट वीडियो में पूरा एरिया ऑफ कवरेज ऑन अर्थ सर्फेस बाय रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे जब ये घूमेगा तो क्योंकि ये बहुत कम हाइट पर है तो जितना एरिया अर्थ का स्कैन करके यहाँ तक आएगा 1.5 घंटे में तो वो अर्थ की इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेगा. लेकिन जब तक ये घूम के आएगा 1.5 घंटे में अर्थ भी थोड़ी सी घूम जाएगी. तो अब जब ये सेकंड राउंड लेगा तो फिर जो ये स्ट्रिप को स्कैन करेगा वो अर्थ की दूसरी स्ट्रिप होगी, अर्थ का दूसरा एरिया होगा, क्योंकि अर्थ थोड़ी सी घूम चुकी होगी. ये तो भाई अपने प्लेन में ही घूम रहा है ना. तो एक दिन में, क्योंकि ये कई बार अर्थ के चारों तरफ घूमता है और एक दिन में अर्थ भी टिल्ट होती रहती है, तो लगभग एक दिन में पूरी की पूरी अर्थ के सरफेस को स्कैन कर लेता है. अगर आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा इस वीडियो को रिवाइंड करके पिछले 2 मिनट का वीडियो वापस से देखिए टू अंडरस्टैंड. अ रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट विच इज इन द पोलर प्लेन और इट इज अ पोलर सेटेलाइट, इट कैन ग्रैब द होल इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ सर्फेस विद इन अ डे. और हर राउंड के अंदर अर्थ की उस सर्कुलर स्ट्रिप के ऊपर की इंफॉर्मेशन लेता है और दिन भर में ऐसी कई स्ट्रिप्स स्कैन हो जाते हैं. दैट इज is needed. Otherwise velocity आप डायरेक्टली लिख सकते हैं root of GME divided by RE plus H, और जो भी information होगी about energy, velocity, time period हम already बात कर चुके हैं. आइए आगे बढ़ते हैं next point पे. पोजी clear करें. Thank you पोजी. सो स्टूडेंट लास्ट पॉइंट विल टॉक अपॉन वेटलेसनेस. अगर हम वेटलेसनेस की बात करें तो ये चीज़ आप प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कवर कर चुके हैं कि अगर कोई एक एलिवेटर जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है और इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्वर अपने आप को वेटलेस फील करता है, बिकॉज इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन हिम विल बी इक्वल टू जीरो. और वेटलेसनेस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि इन द रेफरेंस फ्रेम वेयर यू आर फीलिंग वेटलेस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो. दैट इज द सेम सिचुएशन इन केस ऑफ satellite. Have a look on the situation. Earth ke charon taraf agar ek satellite ghum raha hai aur satellite ke andar ek room hai and there is an observer inside the room, to aap ye dekh sakte hain. इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि ये रूम के अंदर है एंड रूम इज इन सर्कुलर मोशन, ही विल एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एमवी स्क्वायर अपॉन आरई प्लस एच. बिकॉज दिस सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ सर्कुलर मोशन है और इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Force of gravity is equals to G M E M upon R E plus H whole square. And we know very well the orbital speed of motion. तो ये दोनों values आप ध्यान से देखें equal आ रही हैं. अगर ये equal आ रही हैं तो यहाँ पर जो normal reaction act करेगी इस पर, that will be equal to zero. इसका मतलब satellite के अंदर कोई भी body या object होता है तो उन पर किसी तरह का कोई contact force floor की तरफ से नहीं लगता. और you can say the effective value of gravity inside satellite is zero. So inside a satellite we can always say every object is weightless. So satellite itself is a phenomena in which directly we can correlate the concept of weightlessness. Ye baat aap hamesha dhyan rakhenge. So my dear student, here we conclude the short notes of gravitation chapter including satellite motion. Kafi important chapter hai aur aisa koi bhi exam nahi hai jisme gravitation ke questions nahi puche jate. If it is directly linked with your grade 11 and 12th NCERT syllabus, so I strongly suggest my dear student, aap achhi tarah se in short notes ko dekh lijiye aur kahin pe bhi aapko in depth जाने की जरूरत लगती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर लीजिए फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड द टॉपिक नेम ग्रेविटेशन.
और अगर आप जेई मेन या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी रिविजन चेकलिस्ट बहुत अच्छी तरह से कर लेना, उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें रिविजन चेकलिस्ट ग्रेविटेशन, रिविजन चेकलिस्ट सेटेलाइट मोशन, क्योंकि अलग अलग रिविजन चेकलिस्ट हैं और ये चेकलिस्ट एक एक घंटे में आपको जेई मेन नीट के शॉर्ट नोट्स आपके चैप्टर में इन्फ्यूज करा देंगे और आपकी पूरी की पूरी जेई मेन नीट की प्रिपरेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट कर देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, दे मस्ट वॉच अवर एडवांस इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन टू सर्च यू सर्च ऑन यूट्यूब Advanced Illustration Physics Galaxy Gravitation, you'll find a playlist and Booster Checklist Physics Galaxy Gravitation, जो आपको एक ग्रेविटेशन में ओवरऑल फंडामेंटल बूस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपनी थिंकिंग को इवॉल्व कर सकते हैं, दैट इज देयर इन बूस्टर चेकलिस्ट। सो इनॉर्मस कॉन्टेंट इज देयर ऑन आर चैनल, साथ ही अपनी मेंटल थिंकिंग को बूस्ट करने के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल है t.me/physicsgalaxyworld, डू नॉट मिस आउट दिस चैनल, ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके मूव ऑन टू नेक्स्ट, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज कैसा लगा वीडियो पोस्ट जरूर करना। विश ऑल द बेस्ट।